सो ये एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है, नीचे देख सकते हो। बाकी थोड़ा थोड़ा सो ये अभी हम लोग गाजियाबाद से हमने जो है टर्मिनल चेंज किया, अभी सुबह सुबह हम लोग लौट रहे हैं रूम के लिए। सो फाइनली हमने ऊबर में बैठ गया, हम लोग जा रहे हैं सीधा मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन जाके फिर वहाँ से भी दो मेट्रो चेंज करना है भाई। तो अभी यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं वापस से घूमने के लिए, शाम के करीब बज चुके हैं 4। तो अभी हम लोग निकले हैं सीपी जाने के लिए, क्योंकि अभी दिल्ली आए तो भाई पहले तो हम लोग का ऐसा था कि गाजियाबाद आ गए थे हम लोग, तो यहाँ से पहले हम लोग को जाना पड़ेगा NCR, और अभी जाके सीपी घूमेंगे, इन लोगों को भी घुमाते हैं, फिर वहाँ से प्लान वगैरह सरोजनी वगैरह जाने का, क्योंकि उन लोगों को कुछ कपड़ा वगैरह भी देखना है, सब कुछ देखते हैं क्या आज का सीन रहने वाला है भाई लोग। और अभी देखते हैं, अपना भाई बहुत फुल ऑन जोश एक्साइटेड है, तो बहुत कुछ करना है भाई, अभी पैसों से तौल देना है पूरा शोरूम को, है ना भाई, जो मिलेगा वो उठा लेना है, जो जिस प्राइस पे मिले उस प्राइस पे। चलो भाई, ये भाई आप भी सर, भाई ने बोला कि अभी जो भी शोरूम में जाऊंगा ना, वहाँ जो मिलेगा ना जितने का प्राइस तक नहीं देखूंगा, तौल दूंगा पैसों से। आप क्या कहना चाहते हैं सर? जुबान नहीं है, जुबान कैसे भी बोलो, लोग व्यूज दे नहीं पा रहे सर, सपोर्ट करिए थोड़ा। व्यूज देते हैं इतना कि बस महीने के 50 रुपये कमाते हैं, उतने की तो एक टिकट भी नहीं आएगी भाई। तो अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे लाइन चेंज किया, अभी फटाक से हम लोग रेड वाले लाइन में चल रहे हैं, और चल के यहाँ से सीधा हम लोग राजीव चौक के लिए लेने वाले मेट्रो, चलते हैं सीपी एंड उसके बाद वहाँ आपसे मिलते हैं भाई। उसमें चल रहा, उस मॉल में कौन सा मॉल है? सो ये करीब अभी बज रहे रात के 8, एंड हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करते करते चले आए हैं सीधा। कहाँ भाई हम लोग है भाई, हम लोग अभी कहाँ पे भाई, लोकेशन का नाम बता भाई। MG रोड है। तो अभी अपन लोग यहाँ पे चले आए भाई, और सीधा वो बैठ गया वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आके हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरा थक चुके हैं भाई, एक्सट्रीम लेवल तक जाके हम लोग घूम रहे एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई। और बात ये है ना कि अभी हम लोग बस 2 दिनों के लिए ही रहेंगे यहाँ पे, और उसके बाद अपन लोग वापस चले जाएंगे, इसके वजह से पूरा घूम रहे मस्त एकदम। तो ये भी हम लोग गाजियाबाद से हमने जो है टर्मिनल चेंज किया, अभी सुबह सुबह हम लोग लौट रहे हैं रूम के लिए, कल देर रात तक हम लोग रह गए थे उधर ही गुरुग्राम के तरफ रह गए थे भाई, गुरुग्राम में कुछ काम था हम लोग को। ट्रेन काफ़ी स्पीड में चल रही, रुकी हुई है, तो ये अभी हम लोग इसमें बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है चिक्का बूम। हाँ तो भाई ये देखो कहाँ आ गया मैं डायरेक्ट। तो कल हम लोग थे ठहरे हुए गाजियाबाद में, और वहाँ से कल रात मैं आ गया यहाँ नोएडा। सो नोएडा में अभी हम यहाँ रह रहे हैं 137, और बाकी यहाँ देख सकते हो कितने हाइट पर खड़ा हूँ मैं भाई। सो ये एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है, नीचे देख सकते हो। बाकी थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा ना ये देख के कि फॉग है, बट आप लोग गलत हो, फॉग नहीं है भाई, इसको बोलते हैं पोल्यूशन, असली पोल्यूशन यहाँ नोएडा में, मतलब NCR में है ना कि पोल्यूशन है बट इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, लेकिन यहाँ जैसे आप नोएडा में आते हो ना, यहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। एंड द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा है कि एयर जो है ना एक जगह ट्रैप हो जाती है। एंड दूसरा रीज़न ये कि बगल में ही यमुना एक्सप्रेस वे चढ़ने का रास्ता है, ऊपर से जितने भी रोड्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हैं, और इसके वजह से यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, कंटिन्यूस ट्रैफिक लगा रहता है। अभी सामने वाला बिल्डिंग तक नहीं दिख रहा, रात में वो बिल्डिंग मुझे दिख रहा था बट अभी दिख नहीं रहा है। और बाकी यहाँ पर जो है हमारे साथ दोनों भाई हैं जो अपन लोग साथ में आए थे, और इसका नींद ही पूरा नहीं होता है चाहे कितना भी सो ले, बट सोता क्या इंसान यहाँ पे। सुबह 4 बजे तक तो ये जगा ही हुआ था, क्या करे बेचारा, ऐसे ही करके सो के अपना नींद पूरा कर रहा है। और मुझे भी मतलब इतना हैंगओवर हो रखा है ना, हैंगओवर किस बात का है मुझे खुद पता नहीं है, ना तो मैंने पी रखी है ना मैंने किसी भी तरह का कुछ किया, फिर भी मुझे हैंगओवर है क्या नहीं यार। क्योंकि कल परसों जो मैं डायरेक्ट आया ना रात को ट्रेन से, अब ट्रेन ने इतना मुझे हिलाया डुलाया ना, वो हैंगओवर मुझे अभी तक है, और कंटिन्यूस मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक से रात को नींद नहीं ले रहा हूँ, इसके वजह से ऐसा हो रहा है।
भाई अपना भी सोया हुआ है, इसको सोने देते हैं और फिलहाल अपने कैमरे को चार्ज में लगाते हैं, फिर 10 बजे अपन लोग यहाँ से निकलेंगे बाहर के लिए। अपन लोग तो एकदम मिलेंगे, है ना भाई वाली बात है। चल आजा भाई, मुझे भी ब्लॉग बना लेने दे। तो ये भाई मैं हो चुका हूँ रेडी और यहाँ से अब हम लोग को निकलना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब घर भी जाना है। एंड द थिंग इज़ दैट कि फेस्टिव सीज़न है, अभी दिवाली वगैरह है, छठ वगैरह है, तो सारे लोग पूरे NCR को खाली करके, दिल्ली नोएडा को खाली करके सब लोग वापस बिहार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ का ऑलमोस्ट पॉपुलेशन का कवरेज 30% जो है ना वो बिहार यूपी वाले हैं। तो अपन लोग को भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ एक बार फिर से आप लोग देखो लोकेशन कुछ इस तरह का, बहुत ही प्यारा लोकेशन है। एंड अभी आपको मिलाने वाला हूँ मैं भाई से, ये फ्लैट जिसका है। तो इन दोनों को तो आपने देखा होगा पहले, भाई जो है ना, भाई का भाई, सबसे पहले तो भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा भाई, और क्योंकि भाई ने अभी हम लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेटअप दे रखा है रहने का। कपड़ा मकान दे रखा है भाई। क्या भाई? रोटी कपड़ा मकान। सही बात है भाई, इससे बढ़ के बाहर में और क्या ही चाहिए। बहुत अच्छा बात पीयूष ने बोला, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज यहाँ पे। बाइक भी मिला भाई, बाइक भी मिला है, कैसे बोल रहे हो? पूरे रात घूम रहे हो बाइक लेके भाई, तुम बताओ। तो भाई बहुत अच्छा लगता है एक्चुअल में, कहना कि अगर आप बाहर आते हो ना, ठीक है होटल वगैरह रूम लेके रह लोगे, बट वो मज़ा नहीं आएगा जब तक कुछ लोग अपने नहीं रहेंगे। तो अपने लोग रहते हैं ना तो थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है। तो भाई ने बहुत अच्छे से हम लोगों को ट्रीट किया भाई, बहुत अच्छा लगा। फिलहाल तो अब हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा एंड इस व्यू को करते हैं बाय बाय हम लोग भाई, और फटाक से निकलते हैं यहाँ से। एंड आप लोगों को फिर रास्ते में मिलता हूँ मैं। यहाँ से अभी मुझे जाना होगा दिल्ली, अभी मैं हूँ नोएडा में, और नोएडा से सीधा आप चलेंगे दिल्ली। दिल्ली चल के फिर आज टिकट वगैरह का भी देखना है भाई सीन, क्योंकि आज ही निकलना है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग रेडी होके और करीब 1 बजे रेडी होते होते निकलते निकलते, काफ़ी प्यारा लोकेशन था, चेकआउट करो एक बार फिर से। बिस जगह को बाय बाय बोल के निकलते हैं, शायद 18th फ्लोर पे अपन लोग थे पीछे वाले साइड से। तो अब यहाँ पे हम लोगों को निकलना है यहाँ से, फटाफट चल रहे दिल्ली NCR में भाई, वहाँ काम है हम लोग का। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, तो बैग लटका के चलने में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है भाई। और अपना जगह है नहीं कि यहाँ पे बाइक कार का पूरा सुविधा मिले, और इतने आलसी हो चुके हैं हम लोग इतने सालों में, करीब 10 सालों से हमने बस ये हालत बना रखी है ना कि बाइक कार चाहिए तो चाहिए, बिना उसके कहीं जाएंगे नहीं, पैदल चलने में बनता नहीं। और यार यहाँ पर डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है हर जगह का, तो ये भी एक लोड है। अभी ऊबर आ रखी है भाई, फटाक से चलते हैं, बैठते हैं, निकलते हैं करोलबाग। फाइनली हमने ऊबर में बैठ गया, अब हम लोग जा रहे हैं सीधा मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन जाके फिर वहाँ से भी 2 मेट्रो चेंज करना है भाई। यही एक लोड हो जाता है ना जब लाइन चेंज करने की बारी आती है ना, इधर से उतर के उधर, और फिर 300 मीटर पैदल भी चलना है। तो फाइनली अब यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, और अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब आते हैं। सो अब यहाँ से सीधा चलते हैं मेट्रो स्टेशन, वहाँ से फिर मेट्रो पकड़ के भाई घूमना, और साथ में एक बैग है, बुखार छूट गया था इसका, जाने को तैयार नहीं था, बट काम ऐसा है कि जाना तो पड़ेगा ही भाई। तू जाएगा आज विवेक के साथ? हाँ तो भाई ये लो, ये मेरी लास्ट वीडियो शूट रहने वाली है यहाँ दिल्ली में, और यहाँ मैं भी आया हुआ था करोल बाग से, फिर हम आ गए गफर मार्केट में, फिर वहाँ से भी सीधा चल रहे स्टेशन के लिए, क्योंकि अपना ट्रेन है शाम का 5:30 से, और लोगों के भीड़ से अकेले हो गया मैं, अपने सारे फ्रेंड्स को छोड़ के सीधा अकेले निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ अभी ऐसा कुछ हो गया है ना भाई कि जिसके वजह से मुझे वहाँ पहुँचना ही पहुँचना होगा। मेरे क्लोज बंदे उनको तो पता ही होगा क्या हुआ है, जिसके वजह से मुझे आज ही सडनली घर पहुँचना पड़ेगा भाई। पहुँचने को तो मुझे कल ही पहुँचना चाहिए था, बट अभी इतना ज़्यादा भीड़ चल रहा है ट्रेन में ना, जिसकी वजह से स्पेस मिलेगा नहीं, तो आज फाइनली हम निकल रहे हैं सीधा। तो अभी इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए आगे जाके सीधा मैं ऑटो ई रिक्शा जो भी मिलेगा वो पकड़ूंगा, और पकड़ के सीधा चलूँगा नई दिल्ली स्टेशन, एंड वहाँ चल के उसके बाद फटाक से ट्रेन में बैठेंगे निकलेंगे भाई। दिल्ली बहुत अच्छी जगह है, बट एक चीज़ बताऊँगा आप लोगों को भाई, और वो ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं तभी अच्छी है भाई, और अगर पैसे अगर तुम्हारे पास नहीं है ना भाई, कुछ भी अच्छी नहीं है।